आज हम लोग क्या है रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन क्या होती है, जो सोर्स ऑफ न्यूक्लाई है, मान लीजिए जो भाग लेने वाले पार्टिकल्स होंगे उनको हम रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट्स और ये क्या करते हैं, फाइनली एक प्रोडक्ट जो भी नया एक सोर्स ऑफ न्यूक्लाई के बाद एक नया सबस्टेंस बनाएंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे जो उपस्थिति होती है, इन प्रेजेंस हम कभी कभी उसमें क्या कुछ भौतिक अवस्थाओं को प्रयोग करते हैं, कुछ उसकी रासायनिक अवस्थाएं प्रयोग होती है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी होते हैं। तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोटिवेटेड पार्टिकल के रूप में होंगे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ न्यूक्लाई के साथ वो जुड़ करके फिर फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे। ये पूरी केमिस्ट्री का पूरा बोन्स है, क्यों, क्योंकि कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं, हम कोई चौक का पार्टिकल बनाना चाहते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ भी जो नया बनाना है, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी नया जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। रिएक्शन क्या होगी, आपका रिएजेंट, उस पर भाग लेने वाले कण जो भी होंगे वो सब रिएजेंट्स कहलाएंगे और जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। तो रिएजेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हमारी जो यूनिवर्सल जो रिएक्शन होगी वो, उसको हम कैसे समझेंगे, इसमें देखिए कई पार्ट्स हैं। तो रिएजेंट्स को हम टाइप ऑफ रिएजेंट की बात करेंगे। टाइप ऑफ रिएजेंट कितने प्रकार का हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और एक थर्ड पार्ट है फ्री रेडिकल। एक थर्ड स्पीसीज होगी जिसको फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, उनको शॉर्ट में मैं भी बता रही हूँ, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस लिखा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स के नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज है, हमेशा नहीं होता है, और ये फ्री रेडिकल स्पीसीज होंगे, सबको एक डिटेल में बताते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एम यू माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल माइनस हो गया। आपको कीवर्ड्स में बता रही हूँ, कीवर्ड्स में क्या ध्यान रखेंगे, रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को ध्यान रखिए, एनयू से शो करें, फर्स्ट रिमेंबर पॉइंट है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होगी, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होगी, ठीक है। फर्स्टली न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हो गई, ये हमेशा लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस होंगे। अब बेस हो गए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करेंगे। थर्ड इसमें की पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हो गई, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हो गई, ठीक है। और फोर्थ में एग्जांपल याद कर लीजिए, फोर्थ एग्जांपल CH3-, ठीक है, माइनस सी एस सी, जो मोस्टली आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो ना, ये कार्ब एन आयन होंगे, जो ऋण आवेशित प्रजाति है जिसमें क्या होता है, ऋण आवेश उपस्थित होता है और 300 संयोजकताएं होती है, तो कार्बो एन आयन की स्पीसीज है, ये न्यूक्लियोफाइल्स होती है। आप फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल्स में आप जितने भी हैलाइड्स पढ़ते हैं, एक्स माइनस है ना, इसमें क्या हो सकता है, Cl- F- Br- I- कैसे नाम होगा, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, माइनस से सब में, है ना, ये सब रिएजेंट्स क्या होंगे, सभी न्यूक्लियोफाइल्स के नाम हैं। आप ओ एच माइनस इसको पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड है ना, और ओ आर माइनस एल्कोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओ सी एच थ्री हो गया, ओ सी टू एच फाइव हो गया, आर की जगह हम नंबर ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, एक एक बैलेंस है सबकी बची होगी। ये सभी ग्रुप जब किसी रिएक्शन या रिएजेंट के साथ जुड़ेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। इनकी हमेशा टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को देने की टेंडेंसी होगी, हमेशा उस अभिक्रिया में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की स्पीसीज करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी नहीं शो होगी। बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा रिमेंबर करने के लिए आप एक CH3- CH3, ठीक है, मैथिल कार्ब एन आयन, इसका एग्जाम्पल है मेथिल कार्बन आयन, और CH3 एल्कोक्सी वाले ग्रुप हो गए, और ये आपके जितने भी एल्किल ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत सारे इसमें हो सकते हैं।
और मोस्टली निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे, ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। स्ट्रिंगेंट्स हम इसी में याद